फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बॉलीवुड में मोस्ट ऑफ जितने भी गाने बजते हैं या पुराने टाइम में जो कंपोजिशंस हुई हैं वो किस प्रकार के गाने होते हैं, किस सीक्वेंस में बजते हैं वो, तो ये जान लीजिए मोस्ट ऑफ गाने अगर इंडस्ट्री में बने हैं और बन रहे हैं माइनर सीक्वेंस में बनते हैं मोस्ट ऑफ गाने, जितने ज़्यादा से ज़्यादा गाने हैं। तो ये माइनर सीक्वेंस क्या है, आज हम उसी के बारे में बात कर सकते हैं। अगर ये माइनर सीक्वेंस हमको समझ में आ जाए तो हम कम से कम 150 से 200 गाने तो हम ऐसे ही प्ले कर सकते हैं वो माइनर सीक्वेंस समझने के बाद। तो माइनर सीक्वेंस समझने को हम सबसे पहली इसकी जो स्टेप है वो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स समझना पड़ेगा उसके लिए। कॉर्ड्स क्या रहते हैं, माइनर मेजर जो हमको बोला जाता है कि माइनर मेजर मेजर सीक्वेंस माइनर सीक्वेंस, उनके सब कुछ जानने के लिए पहले कॉर्ड समझना पड़ेगा। तो कॉर्ड नॉर्मली हमें ये बताया गया है कि सरगम जो रहती है सारे गामा पतनी, उसमें तीन स्वरों के समूह को सा गा पा, इन तीन स्वरों के समूह को मिला के कॉर्ड बनता है एक। अब वो कॉर्ड मैं अगर गा अगर स्वर तीन स्वरों के समूह में गा अगर कोमल स्वर है, कोमल स्वर लगाया गया है गा को, तो उसका प्रकार माइनर हो जाएगा कॉर्ड का। कॉर्ड दो प्रकार के होते हैं, मेजर और माइनर। अगर गा कोमल लगा दिया हो स्वर में, हमने स्वर समूह में, तो वो गा कोमल हो, कॉर्ड कोमल हो जाएगा, माइनर हो जाएगा है। और अगर गा शुद्ध लगाया है तो वो कॉर्ड मेजर रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हम सी से लेते हैं, सरगम ली सारेगा में पता नहीं, अब इसमें सा सी हो गया और गा ई हो गया और पा हो गया जी। अब ये मेजर कॉर्ड हो गया सी मेजर, क्योंकि इसमें गा शुद्ध है। अभी अगर गा को हम कोमल कर देंगे, ये गा कोमल हो गया, देखिए अगर गा को कोमल कर देंगे तो हमारा गा कोमल करने के बाद ये सी माइनर कॉर्ड बन जाएगा। सी मेजर गा शुद्ध कर दिया तो सी मेजर, और माइनर कर दिया तो गा कोमल कर दिया तो माइनर, सी मेजर सी माइनर। अब बात आती है माइनर सीक्वेंस की। माइनर सीक्वेंस क्या है, माइनर सीक्वेंस के अंदर चार कॉर्ड्स आते हैं मेनली, मुख्यतः चार कॉर्ड आते हैं, तो उनका एक सीरियली एक उसका क्रम रहता है उनका आने का, तो वो किस क्रम में लगाए जाते हैं, तो उस क्रम को जानने के लिए हम देखिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम सी सी का ही लेते हैं, सी माइनर लेते हैं, तो ये सी सी माइनर हमने ये बताया था। अब इसमें फुल नोट बैक जाएंगे, पीछे जाएंगे, फुल नोट पीछे, फुल नोट पीछे। अभी ये सी है, सी का फुल नोट पीछे बी फ्लैट, बी फ्लैट हो गया। उसके बाद इसका फुल नोट पीछे जी शार्प, फिर इसका हाफ नोट बैक जी। तो क्या हुआ माइनर सीक्वेंस, जो भी हमने माइनर कॉर्ड पकड़ा उसका सी माइनर का पकड़ा तो फुल नोट बैक, फिर फुल नोट बैक, फिर हाफ नोट बैक, फुल नोट बैक, फुल नोट बैक, ये हमारा माइनर सीक्वेंस हो गया। अब इसमें हम लोगों को तीन कॉर्ड एक्स्ट्रा मिल गए, अभी बैक गए तो एक तो सी माइनर था, दूसरा बी फ्लैट मिला, तीसरा जी शार्प मिला और चौथा मिला जी मेजर। पहला कौन सा, सी माइनर था, दूसरा ए शार्प, तीसरा जी शार्प और चौथा जी मेजर। अब ये चार कॉर्ड हमको मिल गए, इसको हम माइनर सीक्वेंस बोलते हैं। अब ये हर कॉर्ड से हम यूज कर सकते हैं, अभी सी माइनर से है, इसको डी शार्प माइनर से करते हैं तो फुल नोट बैक सी शार्प, फुल नोट बैक डी मेजर, हाफ नोट बैक ए शार्प मेजर। तो इसका क्या हुआ, डी शार्प माइनर सी शार्प मेजर डी मेजर ई शार्प मेजर। अब ई माइनर आपका, इसमें भी सेम फॉर्मूला जाएगा, फुल नोट बैक डी मेजर, फुल नोट बैक सी मेजर, हाफ नोट बैक बी मेजर।
तो फॉर्मूला क्या रहा हमारा माइनर सीक्वेंस के लिए, फुल नोट बैक मेजर, फुल नोट बैक मेजर, हाफ नोट बैक मेजर, माइनर सीक्वेंस बनाने के लिए फुल नोट बैक मेजर, फुल नोट बैक मेजर, हाफ नोट बैक मेजर, तो इससे आप माइनर सीक्वेंस क्रिएट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं, आगे की बात बताते हैं कौन से वो गाने हैं जो आप बजा सकते हैं इंडस्ट्री में, जो गाने बजे हैं 150, 100, 200 जितने भी आप गाने क्रिएट कर सकते हैं उसमें, वो मैं आपको गाने बताऊंगा कौन कौन से मोस्ट ऑफ गाने आप प्ले कर सकते हैं माइनर सीक्वेंस में। थैंक यू।